हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग ड्रम फिल्टर के बारे में बात करेंगे। इसको हम लोग रोटेटिंग ड्रम फिल्टर भी बोलते हैं। ये इक्विपमेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसकी वर्किंग और इसका कंस्ट्रक्शन काफ़ी यूनिक है। मेरा नाम है डॉक्टर महमताप सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस इक्विपमेंट के प्रिंसिपल के बारे में बात कर लेंगे। ये इक्विपमेंट किस सिद्धांत पर काम करता है? इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीविंग लाइक मैकेनिज्म। जो हमारा वो रोटेटिंग ड्रम है उसकी सरफेस पे जो है हमें सीविंग की मैकेनिज्म प्राप्त होती है। इसमें हम क्या करते हैं, अंडर द वैक्यूम कंडीशन जो है हम जो भी हमारा सब्सटेंस है उसको हम एक फिल्टर मीडिया के थ्रू पास करते हैं और हमें सीविंग की मैकेनिज्म प्राप्त होती है। इस प्रोसेस में कुछ एडिशनल चीज़ें भी होती हैं, वो जैसे कि जो भी हमारा केक है उसको हम उसका कंप्रेशन भी करते हैं, उसकी ड्राइंग भी करते हैं अंडर हॉट एयर, और जो भी हमारा केक फॉर्म हो रहा है उसको हम यहाँ पे रिमूव भी करते हैं यूजिंग ए नाइफ। तो हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो इस डायग्राम में है। अगर आप इसको देखें तो इसमें एक रोटेटिंग ड्रम होता है। ये जो हमारा ड्रम है ये जो है परफोरेटेड होता है और इसके ऊपर हम एक फिल्टर मीडिया अटैच कर देते हैं जो कि यूजुअली फिल्टर क्लॉथ होता है। इसके अंदर जो अंदर की असेंबली है ये काफ़ी सारे कंपार्टमेंट में जो है आप कह सकते हैं अलग अलग रूप से सेपरेट रहती है, और ये सारे कंपार्टमेंट पाइप के थ्रू सेंट्रली कनेक्ट रहते हैं, और ये एक रोटेटिंग शाफ्ट के ऊपर हमारा पूरी असेंबली रोटेट करती रहती है। ये जो आप जो है इस साइड नीचे देख रहे हैं ये है हमारा जो है इसको हम बोलते हैं स्लरी ट्रो, जिसके अंदर वो सब्सटेंस होता है जिसको हमको सेपरेट करना है, या जो हमारी स्लरी है वो इसके अंदर जो है रहती है। तो इसका अगर हम कंस्ट्रक्शन इस तरह से वो देखें तो यहाँ पे हम अटैच कर देते हैं डॉक्टर्स नाइफ। हम जो भी हमारा ड्रम है उसको हम पार्शली जो है हमारे स्लरी के अंदर डिप्ड कर देते हैं। इसके ऊपर ये हमारा रोटेटिंग परफोरेटेड ड्रम है और इसके ऊपर एक हम फिल्टर मीडिया फिल्टर क्लॉथ अटैच कर देते हैं, और ऊपर से हम वो जो भी हमारा केक है उसको जो है वॉशिंग के लिए एक असेंबली यहाँ पे हम अटैच कर देते हैं। तो आइए अब हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन को डिटेल में देख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए मेटल जो है सिलेंडर, जिसकी जो डायमीटर है वो 3 मीटर के आसपास होती है, और इसका जो हमारी लेंथ है वो 3.5 मीटर के आसपास होती है, और ये माउंटेड है, हालांकि हॉरिजॉन्टली माउंटेड होता है। इट गिव्स द सरफेस एरिया ऑफ 20 मीटर स्क्वायर, वो जिससे कि हमें एक जो है अच्छा इसके अंदर सरफेस एरिया प्राप्त होता है फिल्ट्रेशन के लिए। जो हमारी ड्रम है उसकी जो सरफेस है वो होती है परफोरेटेड होती है, और ये सपोर्ट करती है फिल्टर क्लॉथ को। हाँ, ये जो हमारा वो ड्रम है ये जो है इसके अंदर वो काफ़ी सारे पोर्शंस होते हैं वो जो कि जो है सेंट्रली कनेक्टेड रहते हैं। मीन्स ये जो हमारा वो ड्रम है इसमें जो अंदर का पोर्शन है वो काफ़ी सारे पार्ट्स में होता है, और ये जो है सेंट्रली पाइप के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। अब हम लोग इस इक्विपमेंट के वर्किंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो भी हमारा वो ड्रम है उसको हम रोटेट करते हैं, ड्रम की जो स्पीड है वो 1 RPM से 1 रोटेशन पर मिनट से 1 रोटेशन पर मिनट से कम होती है। मीन्स ये काफ़ी स्लो स्पीड में रोटेट करता है। जो हमारा वो ड्रम है वो जस्ट इंटर करता है जो हमारी वो स्लरी का ट्रो है, मीन्स वो जिस कंटेनर में हमने स्लरी रख रखी है उसमें थोड़ा सा ही डिप्ड होता है। जो भी हमारा ड्रम है उसमें हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं, और जब हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं तो क्या होता है कि और जो भी हमारा सॉलिड है वो हमारी ड्रम की सरफेस के ऊपर बिल्ड अप होना स्टार्ट हो जाता है, उसके ऊपर जो एक लेयर फॉर्म करता है, और जो लिक्विड है वो पाइप के थ्रू जो अंदर की ओर जो है सक होता है, और वो जब वो पाइप के थ्रू उसके अंदर से कलेक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद जो हमारा फिल्ट्रेट है वो हम जो है वो टैंक में कलेक्ट कर देते हैं। तो अगर हम इसके एक तरह से मतलब वर्किंग को फिर से देखें तो जो भी हमारा ड्रम है उसको हम 1 RPM से कम की स्पीड पर रोटेट करते हैं। जो हमारा ड्रम है वो हल्का सा स्लरी के अंदर डिप्ड होता है। इसके अंदर हम जब वैक्यूम क्रिएट करते हैं तो क्या होता है कि वो जो स्लरी को अपनी ओर खींचता है, और मीन्स वो जो भी हमारा सॉलिड है वो हमारे फिल्टर मीडिया के ऊपर एक लेयर फॉर्म कर देता है, और जो उसके अंदर लिक्विड है वो उसके अंदर से सक होके वो अंदर की ओर आता है, और उसको हम जो है फिल्टरिंग एक टैंक के अंदर उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं।
अगर हम इसके कॉन्स्ट्रक्शन से इसकी जो है देखते हैं वर्किंग, तो वो काफ़ी सिंपल होगी। तो ये जो हमारा जोन है इसको हम बोलते हैं पिकअप जोन। इसमें क्या है, वो जो भी हमारा स्लरी है उसको ड्रम जो है पिक करता है। उसके बाद ये जब रोटेट होके आता है वो ड्रेनेज वो जोन में, यहाँ पे जो भी हमारी स्लरी है उसमें से जो लिक्विड है वो जो है अंदर की ओर काफ़ी स्पीड से सक होता है, और जो भी सॉलिड है वो फिल्टर केक के रूप में यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। ये जब ऊपर की ओर आता है तो इसको हम बोलते हैं वॉशिंग जोन। इस कंडीशन में क्या होता है कि हम यहाँ पे स्प्रे करते हैं वाटर को, जो कि हमारे केक को एक बार फिर से हल्का सा वेट कर देता है। और जब ये आगे आता है तो इसको हम बोलते हैं ड्राइंग जोन। यहाँ पे जो हमारा फिल्ट्रेट है, हमारा केक है, वो प्रॉपरली ड्राई हो जाता है, और यहाँ से हम उसको डॉक्टर्स नाइफ के थ्रू स्क्रच करके बाहर निकाल लेते हैं। और जो भी हमारा फिल्टर केक था, जो भी हमारा सॉलिड था, वो उसको हमने इस साइड से कलेक्ट कर दिया, और जो लिक्विड है वो पाइप्स के थ्रू अंदर आके हम उसको एक टैंक में कलेक्ट कर लेते हैं। तो आप लोगों को इसकी जो वर्किंग है वो प्रॉपरली समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो इसका जो यूज है, इट इज़ यूज टू फिल्टर द स्लरी कंटेनिंग हाई प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड। अगर हमारी जो स्लरी है उसमें जो है, जो हमारा सॉलिड है उसका ज़्यादा प्रोपोर्शन है, तो भी हम इस इक्विपमेंट को यूज़ कर सकते हैं। 15-30% अगर सॉलिड है हमारी स्लरी में तो हम इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। इसको हम यूज करते हैं अगर हमें फिल्टर करना होता है जो पेंसिलिन्स को, तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को फिल्टर करना है, स्टार्च को फिल्टर करना है, या मैग्नीशियम कार्बोनेट को फिल्टर करना है, तो उस कंडीशन में हम इस इक्विपमेंट को यूज करते हैं। अब हम इसके एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो भी हमारा इसके जो एडवांटेज है, जो हमारा वो केक है वो साथ साथ में रिमूव होता रहता है, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस भी होती रहती है, और जो हमारा केक है वो जो है साइमल्टेनियसली इसमें से रिमूव भी होता है, जिसके कारण कि हम एक जब कंसंट्रेटेड स्लरी अगर हमारे पास है उसमें ज़्यादा सॉलिड है तो उसको भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। इस इक्विपमेंट में जो लेबर कॉस्ट है वो कम होती है, क्योंकि ये एक जो ऑटोमेटिक इक्विपमेंट है और ये एक कंटिन्यूस ऑपरेशन के थ्रू वर्क करता है, जिसके कारण कि इसमें लेबर कॉस्ट भी काफ़ी कम होती है। इस फिल्टर में हमें एक लार्ज सरफेस एरिया प्राप्त होता है, जिसके कारण कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इस इक्विपमेंट में काफ़ी हाई रहता है। मीन्स अप्रॉक्सीमेटली जो है आप कह सकते हो 20 square meters का हमें यहाँ पे प्राप्त होता है सरफेस एरिया, जिसके थ्रू फिल्ट्रेशन होना है, तो जिसके कारण कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन हमारे इक्विपमेंट का काफ़ी अच्छा होता है। इस इक्विपमेंट में हम अपने जो ड्रम है उसकी स्पीड को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, वो जिससे कि हम केक की थिकनेस को प्रॉपरली कंट्रोल कर लेंगे, जिससे कि इस कंडीशन में भी हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन अच्छा हो जाता है। वो जितना पतला केक रहेगा उतना जल्दी हमारा जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है उतना ही अच्छा होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस इक्विपमेंट के डिसएडवांटेज के बारे में। तो इसका जो पहला डिसएडवांटेज है, ये एक एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है और इसकी जो फंक्शनिंग है वो कॉम्प्लेक्स है। मीन्स इसमें आप कह सकते हैं कि हम अटैच कर रहे हैं वैक्यूम पंप, अटैच कर रहे हैं काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, तो इसके कारण ये एक जो है एक्सपेंसिव इक्विपमेंट हो जाता है और इसकी जो फंक्शनिंग है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होती है। अगर हम अपने ड्रम की स्पीड को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो भी हमारा केक फॉर्म हो रहा है वो क्रैक हो जाता है, वो जिसके कारण कि उसकी वॉशिंग और ड्राइंग एफिशिएंसी जो है रिड्यूस हो जाती है। और इस इक्विपमेंट को हम लोग यूज़ कर सकते हैं अगर हमारा जो हमारी स्लरी है वो अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मीन्स उसके अंदर कोई स्पेशल चीज़ वो नहीं है, अगर जो उसके अंदर जो है सिंपली सॉलिड के पार्टिकल्स जो है वो सस्पेंडेड है, तो उस कंडीशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर जो हमारी स्लरी है उसके अंदर जो हमारे सॉलिड के पार्टिकल है वो इम्परमिएबल केक फॉर्म करेंगे, तो उस कंडीशन में इस इक्विपमेंट को हम प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर इम्परमिएबल केक फॉर्म होगा तो वहाँ पर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हमारी स्टॉप हो जाएगी।
ओके फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, ये इक्विपमेंट आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्लियरली नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो को एक दो बार आप और देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। फिर भी कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। थैंक यू।